नमस्कार, स्टेट्स मिरर में आप तमाम का स्वागत है। आइए सुनिए आज की ताज़ा खबरें। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश छट्टर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसके मद्देनज़र भाजपा एमएच कंट्रोल मोड में कूद गई है और सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृहनगर हुबली पहुंच रहे हैं। जगदीश छट्टर को भाजपा ने टिकट से वंचित कर दिया था, इसलिए वे भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा उनके बाहर निकलने से नुकसान को नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी सपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपनी ही जाति के दबंगों और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जबकि उनका प्रशासन अपराधियों को चुनिंदा तरीके से निशाना बना रहा है। पूर्व संसद और डॉन अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मद्देनज़र पार्टी ने ट्वीट किया। योगी जी कहते हैं कि वो माफियाओं अपराधियों को ज़मीन पर गिरा देंगे, लेकिन वो अपनी ही जाति के माफियाओं के प्रतिद्वंदी माफियाओं का सफाया करके अपनी ही जाति के माफियों के लिए खुलेआम काम करने, जबरन वसूली करने और अपराध करने के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। योगी जी इस काम के लिए सरकार और पुलिस की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश छट्टर, जिन्होंने सोमवार को बेंगलुरु में भाजपा छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने दोपहर में हुबली पहुंचने पर भव्य स्वागत के तुरंत बाद अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू की। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं से चर्चा की और अन्य विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा किया। श्री छट्टर विधानसभा सदस्य प्रसाद अभैया के साथ भी गए, जब उन्होंने हुबली धारवाड़ पूर्वी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गारमेंट वर्कर्स ने की बेहतर वेतन और काम के माहौल की मांग। गारमेंट सेक्टर की महिलाओं का आरोप है कि राज्य के एक के बाद एक सरकारें उनके हित की रक्षा करने में विफल रही हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता ने उन्हें एक अच्छा वेतन और बेहतर कामकाजी माहौल पाने के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए मजबूर किया है। राज्य में 4.25 लाख से अधिक लोग परिधान कारखानों में काम करते हैं, जिनमें से 2.75 लाख बेंगलुरु के विभिन्न कारखानों में कार्यरत हैं, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण मतदाता बनाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी द्वारा 40% कमीशन के जरिए लूटे गए पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी विधायकों को खरीदने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा किया जाएगा। भालकी और हुमराबाद में सोमवार को कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मतदाताओं से खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए उनकी पार्टी को 150 सीटें देने की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय कुमार सोराके ने सोमवार को आरोप लगाया कि एक हेलीकॉप्टर में भारी मात्रा में नकदी से भरा बैग पहुंचा है, जिसमें तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और राज्य भाजपा चुनाव प्रभारी अन्नामलाई उडुपी पहुंचे। कौप निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सोराके ने कहा कि पार्टी ने चुनाव अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी है। उत्तर कर्नाटक के जिलों में सोमवार को कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता एमबी पाटिल ने विजयपुर जिले के बबलेश्वर से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन पत्र के 2 सेट दाखिल किए। उनके साथ पार्टी के सहयोगी भी थे, वो बीजापुर लिंगायत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य कॉलेज चलाते हैं। वो 5 बार के विधायक और पूर्व लोकसभा सदस्य हैं। एक इंजीनियरिंग स्नातक उन्होंने पूर्व में गृह मंत्री और सिंचाई मंत्री के रूप में काम किया है। उनके परिवार के पास 140 करोड़ रुपए की संपत्ति और 46 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। वीडी सावरकर और दिल्ली में श्री खड़गे द्वारा आयोजित बैठक को छोड़ने के शिवसेना के फैसले सहित कई मुद्दों पर एमवीए के गठबंधन सहयोगियों के बीच
हालिया मतभेदों के पृष्ठभूमि में ये बैठक महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए कदम उठाए। पार्टी के महासचिव किसी वेणुगोपाल ने सोमवार को मुंबई में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की ताकि विपक्षी महाविकास के बीच संबंधों में आई कथित दरारों को दूर किया जा सके। महाराष्ट्र में अघाड़ी विवादास्पद हिंदुत्व विचार के वीडी सावरकर और शिवसेना द्वारा आयोजित विपक्षी दलों के बैठक को छोड़ने के फैसले सहित कई मुद्दों पर एमवीए गठबंधन सहयोगियों के बीच हालिया मतभेदों की पृष्ठभूमि में ये बैठक महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 6 मई को जिले के चित्रावती संतुलन जलाशय में अडानी एनर्जी लिमिटेड की प्रस्तावित 500 मेगावाट पंप स्टोरेज बिजली उत्पादन परियोजना पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने जलाशय के पास 400 एकड़ जमीन भी सीबीआर से एक बार में पानी निकालकर आवश्यक मात्रा में पानी जमा करने के लिए ऊपरी स्तर के जलाशय के निर्माण के लिए आवंटित की है। कर्नाटक के गुलबर्गा के एक जोड़े के लिए ये एक यादगार दिन था जब उन्हें 4 महीने के बाद विजयवाड़ा में अपना लापता विशेष बच्चा मिला। सोमवार को यहाँ बाल कल्याण समिति कार्यालय में भावुक दृश्य देखने को मिला। दड्डमाणी शंकर और लक्ष्मी ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया, चूमा और उसे देखकर टूट पड़े। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सभी मुस्लिमों मुस्लिम समुदायों के सदस्यों से राज्य के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया है जो रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान उपवास कर रहे हैं। श्री जगन उपमुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री एसके आमजत बादशाह ने सोमवार को विधाधारापुरम में राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के भाइयों के लिए आयोजित इफ्तार में हिस्सा लिया। श्री जगन ने हजारों की संख्या में लोगों के साथ इफ्तार की नमाज और अदा की जो अपना दिन भर का उपवास तोड़ने के लिए कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए थे। भारतीय खान ब्यूरो ने मैंगनीज अयस्क के अवैध परिवहन के मुद्दे को उठाया है जिससे ओडिशा में राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। आईबीएम ने इस्पात और खान मंत्रालय को सूचित किया कि ओडिशा में खनन पट्टा धारक अपनी खानदानों से निम्न श्रेणी के रूप में पश्चिम बंगाल से संचालित व्यापारियों को मैंगनीज अयस्क भेज रहे थे जिन्होंने बाद में इसे बिना किसी प्रसंस्करण के उच्च श्रेणी के रूप में बेच दिया। ब्यूरो ने सिलजोरा काली माटी आयरन और मैंगनीज अयस्क खदानों के मामले की जांच की। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर के भाजपा से नाता तोड़कर सोमवार को आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के साथ विधानसभा चुनाव से पहले जनता की धरना की लड़ाई जीतने के लिए कांग्रेस बड़ा दांव लगा रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेट्टर को शामिल किया और विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस इस विकास के साथ 150 सीटें जीतेगी। खड़गे ने कहा, शेट्टर निश्चित रूप से दोबारा चुने जाएंगे। शेट्टर कांग्रेस में शामिल होने वाले अन्य भाजपा नेताओं के अलावा सबसे बड़ा नाम है जो जहाज से कूद गए। कांग्रेस इन प्रवेशों का उपयोग ये दिखाने के लिए कर रही है कि उसके पक्ष में लहर है।